हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको जो है इस तरह का जो है स्विच बोर्ड की वायरिंग एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप जो है इस तरह का 12 मॉडल स्विच बोर्ड आप अपने घर में लगा सकते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, हमने यहां पर जो है स्विच बोर्ड इंस्टॉल किया है और मैं यहां पर जो है इसकी फुल वायरिंग और इसकी इंस्टॉलेशन एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो लोग हमारे पेज इलेक्ट्रिकल फन पर पहली बार आए हैं वो हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा बोर्ड और ये रहा हमारा फ्रेम। उस पर हम जो है सारे स्विच बोर्ड्स को स्विचेस को इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो अपना स्विच बोर्ड हम लेकर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर जो है मॉड्यूलर स्विचेस हमने यहाँ पर ले रखे हैं जो 6 एम्स के हैं, और हमने यहाँ पर जो है 13 एम्स का यहाँ पर इंटरनल सॉकेट लिया है, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर जो है एक इंडिकेटर लिया है, रेड इंडिकेटर फ्रेंड्स। तो चलिए हम सारे स्विचेस को यहाँ पर लगा देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको किस तरह से आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। यहाँ पर मार्क होता है, आप उसी तरीके से यहाँ पर सारे स्विचेस को हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर जो है टोटल स्विचेस इंस्टॉल हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है 8 पॉइंट है और एक सॉकेट और इंडिकेटर है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जान लीजिए, हम यहाँ पर जो है 2 टाइप की वायरिंग करेंगे। यहाँ पर ये जो 4 स्विचेस हैं, 1, 2, 3, 4, ये इन्वर्टर पे होंगे, और ये बाकी के जो स्विचेस हैं ये सभी जो हमारा नॉर्मल पावर होता है उस पर होंगे, जो फेस होता है। सबसे पहले आपको जो है अपने स्क्रूज को ओपन कर दीजिए, और इसके बाद जो है फ्रेंड्स, आप इस तरह का जो है वायर ले लीजिए, जो 1.5 वायर होगा उसको स्किन कर दीजिए फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर जो है कॉपर वायर मिल जाएगा, और इस कॉपर वायर की हेल्प से आपको जितने स्विचेस को कॉमन करना है उतने स्विचेस में जो है इस कॉपर वायर को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम जो है इन चारों स्विचेस को हम कॉमन कर देंगे इन्वर्टर की वायरिंग के लिए। ये चारों स्विचेस जो है इन्वर्टर पे होंगे फ्रेंड्स, इस तरह से। इसके बाद जो है बाकी स्विचेस को भी हम यहाँ पर जो है कॉमन कर देंगे। तो ये जो बाकी स्विचेस होंगे, ये सभी जो हमारा घर का नॉर्मल फेस होता है उसी पावर पर ये सारे स्विचेस वर्क करेंगे, और इसी तरह से जो है स्किन करके हम सारे स्विचेस में जो है पावर को सप्लाई कर देंगे। देख लीजिए फ्रेंड्स, आप ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये चार स्विचेस जो है इन्वर्टर पे होंगे, और ये बाकी स्विचेस जो है हमारे नॉर्मल फेस पर होंगे। इसी तरह से हम जो है अपने एक स्विच को जो है अपने सॉकेट के साथ कनेक्ट करेंगे, और हम जो है अपने इंडिकेटर को भी जो है उस सॉकेट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जब हम जो है अपना स्विच ऑन करेंगे तो ये इंडिकेटर भी ग्लो करेगा। इस इंडिकेटर के और एक वायर को जो है हम न्यूट्रल पावर दे देंगे बाद में। तो ये रहा हमारा बोर्ड, यहाँ पर रेडी हो चुका है। हम यहाँ पर जो है स्विच बोर्ड में अपनी वायरिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर जो टोटल वायरिंग हो चुकी है, आप एक बार देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये रहे हमारे रेड कलर वायर्स, ये सारे पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, जो हमारा जो पॉइंट्स होता है फैन बल्ब, ये सारे पॉइंट्स हैं। और ये जो आप देख सकते हो टेप मारा हुआ, ये हमारा फैन पॉइंट है फ्रेंड्स। इस तरह से हमारे सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, और ये रहा हमारा पावर लाइन। इसमें जो है रेड वायर जो है हमारा फेस होता है, जो मेन लाइन, और ये जो ब्लू वायर होगा ये हमारा न्यूट्रल होगा, और ये जो हमारा येलो वायर होगा ये हमारा इन्वर्टर का वायर होगा, और ये जो हमारा ब्लैक वायर है ये हमारा अर्थिंग होगा फ्रेंड। नॉर्मली अर्थिंग जो है ग्रीन वायर में होता है, तो हमारे यहाँ पर जो वायर की शॉर्टेज की वजह से हमने यहाँ पर जो है ब्लैक वायर का इस्तेमाल किया है। चलिए हम यहाँ पर जो है अपनी वायरिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फ्रेंड्स, हम अपने सारे लाइन को अलग कर लेते हैं और सारे वायर्स को कट कर लेते हैं एक्यूरेटली, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो है हम सारे वायर को स्किन कर लेते हैं। इसके बाद जो है आप अपने वायर को जो है इस तरह से ट्विस्ट कर लीजिए। सबसे पहले ये सबसे पहले हम यहाँ पर जो है फैन का पॉइंट लगाएंगे। इसे वायर को ट्विस्ट कर लीजिए फुल टाइटली, और जो है ऊपर वाले टर्मिनल में इस तरह से जो है सारे स्विचेस में अपने पॉइंट्स को लगाते जाएंगे फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें फ्रेंड्स, अगर आप स्किप कर देंगे तो आप ज़रूर टॉपिक मिस कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे 6 पॉइंट्स लग चुके हैं, अब देख सकते हैं। इसके बाद हम जो है बाकी पॉइंट्स को भी लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर जो है टोटल पॉइंट्स लग चुके हैं, अब देख लीजिए फ्रेंड्स। इसके बाद जो है फ्रेंड्स, हम जो है अपने पावर को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ये रहा फेस, आपको पता ही होगा, और ये इन्वर्टर का वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है अपने फेस को कनेक्ट करेंगे। ये सभी जो स्विचेस जो है, ये चारों स्विचेस ये हमारे इन्वर्टर के पावर के लिए हैं, और ये बाकी स्विचेस जो है ये हमारे सारे नॉर्मल फेस को यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले जो है आप इस तरह का जो है फेस पावर, ये जो रेड वायर है हमारा फेस वायर है, हम इसको जो है अपने जो है कॉमन वायर हमने किया था स्विचेस को
उस कॉपर वायर में हम जो है अपने फेस को लगा देंगे फ्रेंड्स कुछ इस तरह से। इसके बाद जो है हम जो है अपने न्यूट्रल को हम अपने न्यूट्रल पावर को लेंगे और अपने जो है इंडिकेटर को भी यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे और उसको जो है हम अपने सॉकेट में लगा देंगे। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हम जो है उसको भी यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है अपने इन्वर्टर के पावर को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो ऊपर वाले जो चार स्विचेस हैं उनमें जो है हम अपने पावर को कनेक्ट करेंगे। उनमें से एक जो है स्क्रू को ओपन करके उन चारों स्विचेस में जो है जो हमने एक कॉपर वायर कॉमन किया था उसमें जो है इस वायर को लगा देंगे। इसके बाद जो है हम अपने अर्थिंग को सॉकेट के ऊपर वाले टॉप में जो एक टर्मिनल होता है उसमें हम जो है अपने अर्थिंग वायर को लगा देंगे। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर जो है अर्थिंग भी कनेक्ट हो चुका है। तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये रहा फेस, ये न्यूट्रल और ये इंडिकेटर का जो है टर्मिनल सॉकेट में गया है और एक स्विच में गया है। और ये रहा इन्वर्टर फ्रेंड्स, ये रहा अर्थिंग और ये चारों इन्वर्टर में होंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है जितना हो सकता है अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है किस तरह से नॉर्मल स्विच बोर्ड की वायरिंग होती है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो है अपने बोर्ड को बंद कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अपने वायर को बिल्कुल भी ओपन ना छोड़ें, उसे ठीक से लूप करके टेप मार के स्विच बोर्ड में बंद कर दीजिए फ्रेंड्स। तो हमारे यहाँ पर जो है स्विच बोर्ड बन हो चुका है कितनी अच्छी तरह से। अब हम यहाँ पर जो है अपने स्विच बोर्ड को टेस्ट करेंगे। ये रहा, देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो है पावर ऑन ऑफ ठीक से हो रहा है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो है अपने लाइन को ऑफ कर लिया है। आप देख सकते हैं जैसे इंडिकेटर ऑन करेंगे हमारा सॉकेट वर्क करना शुरू हो जाएगा। इस तरह से जो है हमने अपने जो है इंडिकेटर को सॉकेट के साथ कनेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स, हमारा स्विच बोर्ड इंस्टॉल हो चुका है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।